बस एक रात इस काढ़े को पी लो और रातों रात आपकी शरीर की चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी। भाई ऐसे टाइटल देख के वीडियो को जो क्लिक करते हो ना आप, एकदम बकवास है, कुछ नहीं होता इनसे। शरीर की चर्बी कभी भी मक्खन की तरह एक रात में नहीं पिघल सकती है, उसमें हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? हमारे देश में हल्दी का यूज़ सदियों से किया जा रहा है और इसीलिए तो इसे सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। चाहे मसाले के तौर पे खाने में इसका इस्तेमाल करना हो या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करना हो या फिर दवाइयों के रूप में इसका इस्तेमाल करना हो, हल्दी हर जगह बेस्ट रिजल्ट देती है। हल्दी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जिनका वेट लॉस नहीं होता है और सारी रेमेडी लगभग वो ट्राई करके देख चुके होते हैं, तो उनके लिए हल्दी एक वरदान की तरह है। अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपका वेट लॉस नहीं होता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वेट लॉस तो हो जाता है लेकिन उनका इंच लॉस बिल्कुल नहीं होता है, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस तो हुआ है लेकिन साथ में आपकी बॉडी से चर्बी भी घट जाए, तो आप इस हल्दी के जो ड्रिंक मैं बताने वाली हूँ इसका सेवन जरूर करें। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो इसे एंटी इंफ्लेमेटरी व एंटी ऑक्सीडेंट ड्रिंक बनाता है। तो भाई आप जो शाम को चाय पीते हैं ना, दूध वाली, हाँ वही दूध वाली चाय, तो आप अपनी शाम की दूध वाली चाय को थोड़ा सा स्किप कर दीजिए और उसकी जगह पर ये हल्दी वाली चाय जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसे पीना कीजिए। एंड बिलीव मी आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एंड टेस्ट में बिल्कुल भी गंदी नहीं लगती। अगर आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको ये चाय बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर ही इसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। ये चाय मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोकती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब होता है मोटापे से। इस सिंड्रोम में चेंज के कारण ही पेट के आसपास चर्बी बढ़ जाती है, तो ये चाय सूजन को कम करने में हेल्प करती है। तो अब बात करेंगे हल्दी की चाय को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में हल्दी और अदरक दोनों का यूज़ किया है। अब आपको हल्दी जो है वो देखने में कुछ कुछ अदरक जैसी ही लगती है। सर्दियों के दिनों में ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिल पाती है तो आप हल्दी के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे अदरक और हल्दी में। अब एक पैन के अंदर आपको पानी रखना है। मैं यहाँ पर दो लोगों के लिए हल्दी वाली चाय बना रही हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक चम्मच, छोटा चम्मच भर के मैंने कद्दूकस कर दिया है हल्दी को, और एक चम्मच ही मैंने यहाँ पर अदरक का इस्तेमाल किया है। अगर आप एक जने के हिसाब से इस चाय को बना रहे हैं तो आप आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच ही अदरक का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इस ड्रिंक को गर्मियों के टाइम में पी रहे हैं तो आप हल्दी और अदरक की क्वांटिटी 1/4 रखेंगे। कुछ लोगों का कहना होता है कि हल्दी की चाय गर्मी करती है, अगर आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे इसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं करेगी। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालना है, सिर्फ एक लौंग का टुकड़ा आपको इसमें ऊपर से डालना है, वो भी आपको बिना कूटे हुए लौंग को इसमें डालना है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऊपर से ऐड नहीं करना है। और गर्मियों के दिनों में आपको हल्दी और अदरक की क्वांटिटी केवल 1/4 टीस्पून ही रखनी है। बात और आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप इस हल्दी की चाय को पीना भूल जाते हैं तो आपको इसे दोबारा गर्म करके नहीं पीना है, जैसी है उसको आपको उसी कंडीशन में पीना है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो कि आपको मुहासों और फुंसी को कम करने में हेल्प करता है, सूखी स्कैल्प को ये ठीक करने में हेल्प करता है, लिवर की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, PCOD PCOS के पेशेंट के लिए बहुत सुपर्ब है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। अब इसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रॉक सॉल्ट। आप जो नॉर्मल नमक होता है उसका इस्तेमाल कम कर दीजिए, उसकी जगह पे आप रॉक सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। अदरक में वाइटमिन ए, वाइटमिन ई, आयरन, वाइटमिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अदरक के अंदर कैरेटोसोल भी पाया जाता है जिससे कि ये पेट की चर्बी को घटा देता है। पेशेंट होते हैं उनके खून को गाढ़ा होने से बचाती है, तो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं इससे। ये जोड़ों को दर्द को ठीक करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है, और सूजन की अगर प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है तो उन लोगों के लिए भी ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं।
हल्दी से होने वाले फायदों के बारे में। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है ना, तो हल्दी उस इन्फेक्शन से दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर आप पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट है, तो इनके लिए हल्दी बहुत ही ज़्यादा सुपर रिजल्ट देता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए हल्दी एक रामबाण है। और अगर आपको दिल की बीमारी है, अब आप दिल की बीमारी से मतलब वो आशिका वाली मत समझना, दिल की बीमारी का मतलब है हार्ट पेशेंट, अगर आप हार्ट पेशेंट है तो भी हल्दी आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो भी हल्दी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। अगर आप वाकई अपना बेली फैट, अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जंक फूड को अवॉइड करना है, उसे नो कहना है, ऑयल, शुगर और सॉल्ट, इन तीनों चीज़ों को आपको नहीं खाना है, इनका इंटेक अपनी बॉडी में कम रखना है, तो इस ड्रिंक के असर आपको बहुत ही जल्दी और दोगुने देखने को मिलेंगे। अब आप अगर आप एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करते हैं, अच्छी डाइट अगर लेते हैं, तो इस ड्रिंक के बेनिफिट्स आपको ज़रूर होंगे। काफ़ी लोगों को क्या होता है कि वो बहुत सारी कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं, उसके साथ ये ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो उनको कुछ भी इसका असर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप एक हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस ड्रिंक के असर जल्दी देखने को मिलेंगे और बहुत ही दोगुने आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आपको कुछ एक्सरसाइज या वॉक वगैरह भी कर लेनी है।